Hello students, how are you? Came so my name is Nitin Gadwin. We are studying chapter number 2, fraction and decimal, exercise number 2.1, question number 2. And if you like the video and understand the example, don't forget to subscribe the channel. Let's we start our question number 2. In question number 2 we have, arrange the following in descending order. We have a 2 question and we have to arrange this fractional number into descending order. हमें इस fractional number को descending order में लिखना है. Descending order हम सभी को आता है, पर fraction number को descending order में कैसे लिखे वो हमने आज तक नहीं सीखा है. Suppose कि मेरे पास कोई ऐसा fraction हो 1/2, 3/2, 5/2, तो आप बता सकते हो कौन सा बड़ा है, क्योंकि नीचे denominator सभी का सेम है. तो 1/2 सबसे छोटा है, 3/2 उससे बड़ा, 5/2 उससे बड़ा. पर यहां पर हमारे पास तीनों के डिनोमिनेटर अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यस, थोड़ा सा दिमाग लगाना है. अभी मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो यहां पर हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम 93 एंड 21 का एलसीएम लेना है. तो चलो हम 93 एंड 21 का एलसीएम लेते हैं. 9, 3 and 21 उसका हमें एलसीएम लेना है. चलो तो सबसे छोटा नंबर है हमारे यहां पास 3, तो 3 3 9, ये 1 हो जाएगा, और 3 7 21. उसके बाद वापस से 3 3, यहां पर 1, यहां पर 1, ये 7, उसके बाद तो 7 ही बचा है, तो 7 1 1 1. चलो अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 21, 21 3 63. तो हमारा एलसीएम क्या आया, 63. तो हमें इसे 63 बनाना, इसे 63 बनाना, और इसे भी 63 बनाना है. तो चलो 9 को 63 बनाने के लिए 9 7 3 बना, 3 को बनाने के लिए 3 21 जा, और 21 को 63 बनाने के लिए 21 3 जा. चलो तो अब हम लिखते हैं क्या होगा, इसे 7 से मल्टीप्लाई, यानी कि 7 2 7 14 डिवाइडेड बाय 63, ये हो गया 14/63. उसके बाद ये हमारा, चलो एक बार पूरा स्टेप में लिख ही देता हूं तो हमें इजीली समझ में आए. चलो 2 × 7 / 9 × 7 = 14/63, ये हो गया, और ये हमारा कौन सा है, 2/9 वाला. उसके बाद 2 × 21 / 3 × 21, ओके. चलो तो 21 2 = 42/63. थर्ड वन इसे 3 से करना है, तो 8 × 3 = 21 × 3 = 8 3 = 24/63. तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास, 14/63, और हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बड़े से छोटा. तो सबसे बड़ा 42/63, तो 42/63 इज फर्स्ट नंबर, 24/2 सेकेंड, और ये थर्ड. तो ये किसका था, 2/3 का. तो 2/3 इज, हम यहां पर लिखते हैं 2/3 इज फर्स्ट, सेकेंड वन इज 8/21, सेकेंड वन इज 8/21, एंड थर्ड वन इज 2/9. चलो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो इसे हम लिखेंगे कैसे, 2/3 इज ग्रेटर देन 8/21 इज ग्रेटर देन 2/9. ये सबसे बड़ा, ये इससे छोटा, और ये इससे छोटा. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. चलो सेम वे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं, यहां पर भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. चलो लेते हैं हम 5 7 and 10. चलो सबसे पहले 5 से स्टार्ट करते हैं हम, तो 5 यहां पर 1, यहां पर 7, यहां पर 2. उसके बाद 2 यहां पर 1, यहां पर 7, यहां पर 1. उसके बाद तो सिर्फ 7 बचा, 7 1 1 1. तो चलो 7 2 जा 14 14 5 जा 70. तो हमारा जो एलसीएम आया वो आया 70. चलो तो 5 को हमें मल्टीप्लाई कराना है, किससे कराना पड़ेगा 70 बनाने के लिए, 14 से, 14 5 जा
17, 7 को अगर यहाँ पर 10 में है तो 7 10 जा और 10 7 जा। चलो यहाँ पर मैंने पूरे स्टेप्स लिखे थे, यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो चलो देखेंगे हम कैसे होगा ये। इसे 14 से तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 70, ये हो जाएगा 10 से यानी कि 30 डिवाइड बाय 70, 10 थ्रीजा 30 डिवाइड बाय 70, और थर्ड हमारा 7 जा 49 डिवाइड बाय 70। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है, 14 बाय 10, सबसे बड़ा ये है, तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे बड़ा 49 बाय 70 यानी कि 7 बाय 10 इज ग्रेटर देन ये वाला यानी कि 3 बाय 7 इज ग्रेटर देन 1 बाय 5। तो ये हो गया हमारा अल्टीमेट आंसर, ये सबसे बड़ा और 1 बाय 5 सबसे छोटा। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल गो ऑन अवर क्वेश्चन नंबर 3। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सके या फिर पूरा पॉज करके भी लिख सके।